इस बात में कोई शक नहीं है कि कैंसर के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारी वजहें मौजूद होती हैं, और इसीलिए जो भी लोग कैंसर को नेचुरली ठीक करते हैं वो उन कारणों को ढूंढते हैं जिसकी वजह से कैंसर हुआ है और फिर उनको ठीक करते हैं, जिसके ख़त्म होने पर कैंसर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। वो सारी वजह कि क्यों किसी को कैंसर हुआ है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उन सारी वजहों में से एक वजह जो कैंसर के होने का एक मेजर कारण बनती है वो है खराब डाइट और लाइफस्टाइल। खराब डाइट लाइफस्टाइल कैंसर के होने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम एक हाई एनिमल प्रोटीन डाइट या फिर बाहर के जंक या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को खराब कहते हैं, और क्यों ये कैंसर के होने में भी और उसके बढ़ने में इतना बड़ा रोल प्ले करती है? अब इसी बात को अगर उल्टा बोले तो ये क्यों कहते हैं कि अगर आप कैंसर को ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी डाइट खानी चाहिए जो फ्रूट्स या वेजिटेबल से रिच हो? ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल से कॉन्सेप्ट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसको बोलते हैं पीएच, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच ये क्या होता है? यही चीज़ हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि क्यों और कैसे ये 8वीं क्लास का सिंपल कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको लोग इस्तेमाल करके खुद को ठीक करते हैं। साथ ही उन लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने इस चीज़ को खुद पर इस्तेमाल करके पूरी तरीके से खुद को ठीक कर लिया। अब आप चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट्स करा रहे हो या नहीं, लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि पीएच क्या है। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन असल में पीएच एक मेजर करने का तरीका है जिससे ये पता चलता है कि एक चीज़ कितनी एसिडिक या कितनी एल्कलाइन है। इसको और आसानी से समझते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जब भी हम कुछ खाते हैं वो हमारे शरीर में सही से नहीं पचता, जिस वजह से शरीर में एसिडिटी होने लगती है, जिससे आपको पेट दर्द, चलन, वॉमिटिंग, सर दर्द ये सब सिम्टम्स होने लगते हैं। और इसी चीज़ से रिलीफ पाने के लिए हम इनो या गैसोफास जैसे प्रोडक्ट का सोल्यूशन लेते हैं, जिसे लेने पर हमें आराम होता है। ये इसलिए क्योंकि इनो या गैसोफास सोल्यूशन एल्कलाइन होता है, जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जो इंडाइजेशन की वजह से हुआ है, जिससे आपको रिलीफ मिलता है। यही चीज़ें एसिडिक और एल्कलाइन। अब यही चीज़ एक स्केल की मदद से भी देखी जा सकती है, जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। ये पीएच स्केल 0 से 14 तक की वैल्यू का एक स्केल है, जिसमें अगर वैल्यू 0 से 6.9 के बीच है तो वो एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल है, और 7.1 से 14 के बीच है तो एल्कलाइन। अब जैसे कोक है, उसका पीएच 2.6 है, यानी जब आप इसे लेते हैं तो ये आपके शरीर को एसिडिक बनाती है। वही दूसरी तरफ बेकिंग सोडा, जिसका पीएच है 8.3, यानी जब आप इसे लेते हैं तो ये शरीर को एल्कलाइन बनाती है। अब सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं, बल्कि इसकी मदद से हर एक चीज़ का पीएच देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गाड़ी में लगने वाला बैटरी एसिड, जिसका पीएच होता है 0.8, यानी वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। और बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड ड्रेन क्लीनर, उसका पीएच है 13, यानी वो बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन है। अब जब हमारे शरीर की बात आती है तो उसको कुदरत ने इस तरीके से बनाया है कि वो शरीर में एसिड और एल्कलाइन का एक बैलेंस रखती है, और इसीलिए हम ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए जो एक आइडियल ब्लड पीएच हमारा होना चाहिए वो है 7.4, जो पीएच स्केल के हिसाब से न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा होता है और एल्कलाइन साइड होता है। यानी हमारा शरीर सबसे अच्छा तब काम करता है जब हमारे खून का पीएच एल्कलाइन होता है, और इस पीएच पे आके हमारा ब्लड ऑक्सीजन और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को आराम से शरीर के ऑर्गन्स पे ले जा पाती है। बैक्टीरिया वायरसेस की ग्रोथ नहीं होती, बीमारियों से बचे रहते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। लेकिन जब हमारा पीएच इस वैल्यू से कम हो जाता है, इसका मतलब हमारा शरीर एसिडिक होने लगता है, जिस वजह से हमारे शरीर के कई सारे प्रोसेस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जैसे एसिडिक बॉडी या लो पीएच में हमारा खून ऑक्सीजन को सही से सेल्स में कैरी नहीं कर पाता। साथ ही इस एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, इनकी ग्रोथ भी बढ़ने लगती है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी सही से काम नहीं करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमारे ब्लड का पीएच एल्कलाइन होता है, तब ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को काफ़ी हद तक बोअर इफेक्ट भी कहते हैं, जो बताती है कि एसिडिटी बढ़ने पे या बॉडी पीएच के कम होने पे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और एसिडिटी कम होने पे ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब क्यों ऑक्सीजन का कैंसर को ख़त्म करने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल है वो हम इस वीडियो से जान ही चुके, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब असली सवाल ये है कि हमें ये सब जानना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैंसर और एसिडिक पीएच का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है।
इनफैक्ट रिसर्च में देखा गया है कि ट्यूमर के बाहर की सर्फेसेस हाईली एसिडिक होती है और इसीलिए एक एसिडिक बॉडी में कैंसर सेल्स रहना पसंद करते हैं। सिर्फ यही नहीं, एसिडिक बॉडी कैंसर के मेटास्टेसिस में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और ये रिसर्च ने कई बार बताया है। सिर्फ यही नहीं, जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तो ट्यूमर सेल्स ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो उन ट्यूमर सेल्स को और एग्रेसिव करते हैं। साथ ही एसिडिक बॉडी का ट्रीटमेंट लेने के टाइम पे भी नुकसान है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट ड्रग्स जैसे कीमोथेरेपी ड्रग्स को भी और रेजिस्टेंट बनाती है, जिसकी वजह से ये थेरेपीज काम भी नहीं करती और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही ये भी देखा गया है कि कैंसर सेल्स में अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस वजह से वो और एसिडिक हो जाते हैं। ये सारी रिसर्च इस बात को साबित करती है कि कैंसर और एसिडिक बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है, जिस वजह से हमें ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट के दौरान की डाइट लेते समय ये सोचना चाहिए कि उस एसिडिटी को कम कैसे करें। अब इससे एक और ज़रूरी सवाल मन में आता है कि ये कैसे पता करें कि कोई भी खाने की चीज़ कितनी एसिडिक है, कितनी अल्कलाइन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आसान शब्दों में, कोई भी खाने की चीज़ तब एसिडिक होने लगती है जब उस खाने में बेस फॉर्मिंग मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम की कमी होती है, जैसे बाहर का हाईली प्रोसेस जंक फूड। इस जंक फूड में हाईली प्रोसेस सॉल्ट ऑयल्स भरपूर क्वांटिटी में होते हैं और मिनरल्स नहीं होते, जिस वजह से ये हमारे शरीर को एसिडिक बनाती रहती है और धीरे धीरे बीमार करती रहती है। इसी तरीके से जब हम नॉन वेजिटेरियन या मीट काफ़ी ज़्यादा खाते हैं तो उनमें भी मिनरल्स की कमी की वजह से हमारे शरीर को एसिडिक बनाती है, जिस वजह से हमारे शरीर में कैंसर का खतरा तेज़ी से बढ़ता है। इसी का फ्लिप साइड देखें तो जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेगुलरली खाते हैं तो वो हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाती है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एल्कलाइन मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम भरपूर होते हैं। इन मिनरल्स की वजह से ही शरीर में एसिडिटी रेगुलरली न्यूट्रलाइज होती रहती है, जिस वजह से शरीर में समय के साथ पीएच बैलेंस रहता है, ऑक्सीजन बढ़ता है और हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं, जिस वजह से कैंसर सेल्स भी मरने लगते हैं। अब आपको बाहर के खाने की आदत है, लेकिन शरीर तो खुद को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करती है, इसीलिए जब आप रेगुलरली बाहर के एसिडिक फूड्स खाते हैं तो शरीर हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल कर उस एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, जिस वजह से आपकी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती है। हर तरीके से एक हाई एसिडिक डाइट बीमारियों का घर है और बीमारियों का एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब ये सिर्फ डाइट से ही नहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, वो भी एसिडिटी के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो ऐसे कि जब हम इमोशनली स्ट्रेस होते हैं तो वो हमारे पेट में एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिस वजह से शरीर में एसिडिटी बढ़ने लगती है। इसीलिए सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ दोनों एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके पीएच के बैलेंस होने का। अब अगर मैं समराइज करूं तो इससे एक बात तो क्लियर है कि कैंसर सेल्स एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, जिससे कैंसर के होने, बढ़ने और ट्रीटमेंट के ना काम करने का खतरा है, और इसीलिए हमें वो सारी चीज़ें लंबे समय तक करनी चाहिए जो हमारे इस इंटरनल एनवायरनमेंट को वापस से अल्कलाइन बना दे, चाहे आप ट्रीटमेंट करा रहे हो या नहीं। हर केस में इनफैक्ट एक अल्कलाइन बॉडी आपकी हेल्थ को बढ़ाने में मदद ही करेगी, और इसीलिए कैंसर को नेचुरली ठीक करने के लिए लोग अक्सर दो चीज़ें करते हैं, एक हाईली अल्कलाइन डाइट खाते हैं और कुछ साथ में अल्कलाइन सप्लीमेंट शामिल करते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको लोगों ने इस्तेमाल करके अपने कैंसर को श्रिंक होते देखा है, और इसीलिए ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन ये खुद में बहुत ही लंबा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, और इसलिए अगली कुछ वीडियोस में आपके साथ वो सारे अल्कलाइन फूड्स या अल्कलाइन डाइट हम शेयर करेंगे कि लोगों ने कैसे उसको इस्तेमाल करके खुद को ठीक किया है। इसके अलावा लोग डाइट चेंज के साथ और क्या क्या अल्कलाइन सप्लीमेंट शामिल करते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आने वाली वीडियो में बने रहिए। आशा है कि आपको हमारा काम और हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ जाए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।